अस्सलामुअलैकुम खवातीन व हज़रात, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई इबादत गुल, और पठान ईट्स में आपको खुश आमदीद। तो दोस्तों, आज का सीन बहुत मज़े का होने वाला है, क्योंकि आज आपका भाई बनाने जा रहा है चिकन स्टीम रोस्ट। ये तीनों एक ही चीज़ है, चिकन स्टीम रोस्ट। तो बहुत मज़ा आने वाला है, आज का सीन बहुत कमाल होने वाला है। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहे और देखते रहिए पठान ईट्स। तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, चलते हैं मुर्गी की दुकान पर और देखते हैं कि क्या बनता है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पठान ईट्स। हमारा जो चिकन है वो फाइनली हमने खरीद लिया है, अब हम जा रहे हैं तो इसको काट के और बनाने। तो हमारे साथ बने रहे, चलो चलते हैं। शुरू करते हैं आज का सीन और इसको काट कूट लेते हैं, ज़िबा कर लेते हैं और सफाई कर लेते हैं इसकी, और बनाते हैं चिकन स्टीम रोस्ट। तो हमारे साथ बनी रहे और देखते रहे पठान ईट्स। चिकन जो है वो है तैयार हो गया, इंशाल्लाह ज़िबा कर लिया है हमने। अब हम इसको थोड़ी देर सूखने के लिए रखेंगे, जब सूख जाए तो इसमें कट्स लगा के मसाले देंगे और इसके बाद का सारा सीन आपको दिखाएंगे। तो बनी रहे हमारे साथ। लगा देने हैं और इसके बाद थोड़ी सी तेज की या किसी में पानी लेकर उसमें नमक और नींबू ऐड कर देना है, ताकि गैस के अंदर मुकम्मल वो नमक और नींबू का पानी जा सके, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। तो चलिए वो आगे वाला प्रोसेस शुरू करते हैं। पानी में इससे ये होगा कि ये तो इसमें जो सारा खून है वो साफ़ हो जाएगा, और दूसरा ये नींबू और पानी इसके
सारे गोश में चला जाएगा, तो इससे टेस्ट बहुत बेहतर आता है। तो थोड़ी देर इसको मेरीनेट करने के लिए छोड़ देंगे। तब तक के लिए हम अगला सीन करते हैं, इसके मसाले तैयार करते हैं। तो आओ देखते हैं कि मसाले किस तरह तैयार करते हैं हम। इसे ऑयल में थोड़ा सा ब्राउन करना है, थोड़ा सा इस तरह सुखा के। इससे ये होता है कि एक तो जायका बहुत अच्छा आता है और दूसरा मसाला वो बहुत अच्छा ले लेता है। तो अब हम इसको मसाला देते हैं और बनाते हैं अल्लाह का नाम लेकर। तो देखते हैं कि कैसे बनता है, इंशाल्लाह अच्छा ही बनता हो। तो चलो शुरू करते हैं। भाई लोग, हमारा जो है वो सीन रेडी हो गया है। अब हम इसको चूल्हे पे चढ़ाएंगे इंशाल्लाह 25-30 मिनट के लिए, और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि चिकन स्टीम रोस्ट कैसे तैयार हुआ है इंशाल्लाह। तो चलो चूल्हे पे चढ़ाते हैं इसको। हमारा तैयार हो गया है। अब चेक करते हैं कि किस तरह इसकी
वो हम से निकलती हैं, तो चलो आओ हमारे साथ देख लो। अब भाई हम इनको पैलेट में सजाते हैं और फिर आपको रिव्यू देते हैं कि इंशाल्लाह कैसे तैयार हुए। तो हमारे साथ बने रहे और देखते रहे पठान ईट्स। ख़वातीन हज़रात, चलो ट्राई करते हैं और देखते हैं कि कैसे तैयार हुआ है इंशाअल्लाह। तो चलो ट्राई करते हैं। तो दोस्तों हमारा चिकन रोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया है। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, अब देखते हैं कि टेस्ट में कैसा है इंशाअल्लाह। तो देखते हैं मुँह में पानी आ रहा है, तो चलो टेस्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देखते हैं, बिल्कुल रेशा रेशा जा रही है, देखें आप। वाह, तो देखते हैं कि टेस्ट कैसा है इंशाल्लाह इसका। बहुत आला टेस्ट है। अब इसे मायो के साथ टेस्ट वेस्ट कर लेते हैं कि अब किस कैसा टेस्ट बनता है इसका। वाह भाई, जोश के साथ अब। ये देखो भाई, अब मायो के साथ टेस्ट कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा। अब आप लोगों के लिए एक और निवाला चाहिए टेस्ट करने के लिए, देखते हैं। ये हो गया है, इसमें थोड़ा सा नींबू। ये चटनियाँ, थोड़ा सा प्याज भी फिट कर लेते हैं अंदर। वाह भाई, बहुत आला भाई, बहुत अच्छा बनता है। अगर आप एक नई चीज़ ट्राई करना चाहते हैं तो इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा तैयार होता है चिकन माशाल्लाह। तो भाई आज का सीन यही तक था, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई इबादत गुल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।